मेरा जो है वो ईद का ड्रेस अभी तक नहीं आया। बाकी क्या बकरे? वो हम लोगों ने खड़े करे हुए हैं। खड़े करे हुए हैं, ऐसे बैठे होते हैं। ये क्यों शर्मा रही है? मुझे लग रहा है इसका बकरा नहीं, इसका रिश्ता है। ले ले बकरे, फिर पूछ के होंगे कितने के। 1,30,000 की जोड़ी दे रहा है। छोटे हैं ये तो, चिट्टू है। अरीब कैमल, अरीब इसे कैमल का रेट पूछा। दे रहे हो 20? कराची में गई थी, मुझे ना सी व्यू नहीं दिख रहा अभी। मैं आपको लाहौर में दिखाऊंगा इसको सी व्यू। चिंगचिंगा रिक्शे सब बीच में लेके दिया मुझे वो कलर, कि मैंने ऐसा लेना है, ये तुम भी ये लो। आई अल्लाह, मेरा बैग गुम हो गया। देखो देखो देखो, तुम्हें ना हीरा जैसा प्यारा कर यार, इसको उठाने दूसरा जगह मैं कमरे से निकलूं। लेकिन एज यू नो लड़कियों को लगता है वो मेहंदियां लगाती है, बेसिकली वो उसको चांद रात बोलती है। जो हज है वो भी पाए तकमील तक पहुंचेगा। बहुत से लोग जो है वो बहुत से मुसलमान इस फर्ज को जो है वो निभा रहे हैं, जो की बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह पाक सबके हज को कबूल फरमाए और सबकी कुर्बानी को भी। खैर दिन स्टार्ट हो गया है। एक दिन पहले ले ली, बाद में मिलती हूँ। बाद में महंगी हो जाती हैं, प्याज टमाटर लहसुन अदरक लीमू शिमू, क्योंकि आगे काफी डिशेस बनानी है ना मेरी मम्मा ने। मैं आड़ू भी लाऊंगी। आड़ू भी कौन से आड़ू? आड़ू मटन पकना है। स्मार्ट होना चाहता है बंदा, वो आड़ू। वैसे जो बंदा स्मार्ट होना चाहता है ना वो कुछ भी ना खाए तो ये बेस्ट हल है। उसके बाद आप पतले हो जाओगे, लेकिन ईद के बाद तो मोटे होने वाले हो, क्योंकि चपली कबाब बिरयानी और पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोगों को खाने को मिलेंगी। और यहाँ पे हमारे पापा भी आ चुके हैं एकदम एंट्री है। मैं देख रही हूँ पापा ने सारी चीजें पूरी कर दी है। आजकल वीडियो क्यों नहीं आ रही आप? और बकरों शकरों पे बिजी? आपने ईद के कपड़े ले लिए? सबसे पहला काम इनका ये होता है कपड़े बनाना। बना लिए पापा ने? पहले मतलब पापा हमारे में से सबसे, पापा का भी ईद का ड्रेस आ गया। हम लोग आज शॉपिंग करने जा रहे हैं। अगर आपने जाना है तो बताएं। मैं सादा बंदा, मैं नहीं जाना। कितने आप चलाक हैं। और जो हफ्ता पहले अपने कपड़े लेते हो कहता मैं सादा बंदा, बिल्कुल भी नहीं। महीना पहले अपने चार ड्रेसेस तैयार कर लिए हम लोग को तो एक। और मुझे होना है रेडी, क्योंकि वैसे गाइस मेरा नाश्ता वास्ता हो चुका था, लेकिन मुझे रेडी होना है क्योंकि मुझे शॉपिंग के लिए निकलना है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। ऑयलिंग शॉयलिंग कराते हैं और तैयार होते हैं और तैयार होकर फिर आते हैं जी। लेट्स गो। मम्मी सबको इस वक्त जो है ना वो आड़ू पार्टी करवानी। मैं खट्टा असली में, आप कहेंगे नहीं खट्टा। तैयार होने लगी थी, अम्मा ने आड़ू करा दिया इसलिए सुस्त हो गई। लेकिन आप लोग क्यों सुस्त हुए? मैं आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया? नहीं किया? अभी करें जाकर चैनल सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें सबको। तो जी गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार, मैंने शावर ले लिया था, मैं इतनी फ्रेश हो चुकी हूँ। अब हम लोग निकलने लगे हैं शॉपिंग के लिए। अभी नीचे चलते हैं, सूरत हाल जानते हैं, क्योंकि अभी तो मैं जस्ट तैयार हुई हूँ। ये मेरी आज की लुक है, करा कवल इन ग्रीन। शॉपिंग के लिए तो मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन आपको मैं ये बताती चलूँ कि मैं आज शॉपिंग पे जा किसके साथ रही हूँ। मैंने रिको कॉल की थी कि मेरा जो है वो ईद का ड्रेस अभी तक नहीं आया है। एंड ही सेड यार कि मैं तुम्हें ईद का जोड़ा लेके दूंगा, मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। उन्होंने अपना भी ईद की शॉपिंग करनी है, मैंने भी ईद की शॉपिंग करनी है, मेरी कुछ बहनों ने भी करनी है, मेरी अम्मा ने भी करनी है। तो जिस जिसने करनी है आज सब लोग जाएंगे। नाउ वेटिंग फॉर मिस्टर अरीब परवेज नाउ, बिकॉज मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैं उनको बिल्कुल वेट नहीं कराने वाली, क्योंकि टाइम दिया था मैंने उनको 6 बजे का। मैं नीचे आई हूँ तो इसने तुमने कहाँ जाना शॉपिंग पे? तो मुझे तो लग रहा तुमने बालों के कॉम्पिटिशन पे जाना है। तो इन लोगों की मेडियां ही नहीं खत्म होती है। दिल ही तुम्हारा मुझे ले दूंगा, जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ओह माय गॉड, मम्मा जो है ना वो ईद से पहले आखिरी चिकन बोटी बना रही हैं, ताकि जो है वो ताकि हाय 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 गाइस मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं दिखा सकी। आपको पता ना मैं तैयार हो रही थी, मगर आप देखें मेरी मम्मी की लजीजा बिरयानी। ओए ओए लाहौर की स्पेशल लीमू निचोड़ मसालेदार। एंड मम्मा मैं तो नहीं अभी शॉपिंग पे जा रही, आगे खाना चलो जल्दी कर। नहीं ना प्लीज ना, पहले खा के गर्मा गर्म खा के जाते हैं प्लीज। आपने नहीं जाना, आप क्यों नहीं तैयार हो रही है? बकरा जिबा करना है अभी आपने, लेकिन आप मुझे बता दे फिर आपके लिए क्या लेके आऊँ। ड्रेस चाहिए गाइस, मेरी अम्मा दम दे रही हैं। अच्छा सा सूट और क्या लेके आऊं, किस कलर का? जो मिल जाए ले आना। ठीक है, मुझे पसंद आएगा। इकरा की चॉइस बहुत अच्छी है। इकरा को पता है कि इकरा की चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे घर पे एक और टूटू डार्लिंग है। कुछ खाओगे? मैं आपको देती हूँ खाना। हमारे घर बिरयानी बकी, वो खानी है। वैसे जो हमारे बकरे हैं वो उधर है और ये राबिया का बकरा है, टूटू जिसका नाम है, छोटू टूटू, सिंगू वाला टूटू, प्यारा टूटू। बकरे बोलना नहीं है, यू आर अ गुड बॉय, डोंट टॉक डोंट टॉक। मुझे पता है मेरा बकरा मुझे बहुत मिस करता है, मेरा प्यारा बकरा छोटू। कौन
यार बैल क्यों नहीं दिया आपने? कौन बलागर की? किसकी? दी बेस्ट व्लॉगर का दी बेस्ट। अरे वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक बड़े? आप ब्लैक मानो बने हुए? ब्लैक मानो बना हो? हाँ, वो पिंपलू भी आ गया। ब्लैक मानो भी और अब्बा की तरह पिंपलू भी, और आपने बाप के बाल भी थोड़े थोड़े बड़े हुए। हाँ एक ही है अभी, टूटू है राबिया वाला। टूटू? हाँ उसका नाम है टूटू। चलाए दिखाऊँ आपको? पीछे रखा हुआ है हमने अपने लॉन्ड्री एरिया में। अभी इसको प्यार करके आई हूँ, फिर शोर करा वापस मुझे बुला रहा है। जब मैं उसके पास रहती हूँ तो सेट रहता है। बकरे हाँ जी, व्हाट यू वांट? ये हमारा टूटू है माशाल्लाह, ये राबिया का टूटू है। इसको आते, इसको ये खिलाना होता है? हाँ, जो आए उसने इसकी ओपनिंग करनी होती है। बाकी क्या बकरे? बाकी आपने व्लॉग नहीं देखा मेरा? आज वाला नहीं देखा। जाके देखना, वो हम लोगों ने खड़े करे हुए। खड़े करे हुए वैसे बैठे होते हैं? नहीं मतलब कहीं और रखे हुए। भूख लगी है, भूखा रखा हुआ कुछ सही? भूखा नहीं रखा भी पूछ के कहीं ना कटवा दी। टूटू में तूने मेरी अभी मैंने आपको खाना पूछा है, खाया कुछ नहीं, पत्ते खा गया, डंडी नहीं खा रहा। हाँ जी वो दो मैं सोच लूँ। अरे मुझे लगता है आपके हाथ में कोई पावर है। मेरा पावर नहीं है, भूख लगी। नहीं मैंने अभी लोगों के सामने पूछा था चलाक मानो बिल्ली आपने क्यों मेरे हाथ से नहीं खाया। हाँ अब देखो कैसे खा रहा है। ये राबिया का टूटू है, टिड्डू टिड्डा टूटू, ब्लैक टांगों वाला और धड़ उसका व्हाइट है। वाह थैंक यू। नहीं नहीं आमीन, ये थैंक यू मैं क्यों कह रही हूँ, जैसे आपने कहा हो करा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो वैसे अल्लाह ये तो पागल अंदर मिला नहीं, इसको मिला दिया पहले, अंदर तो मिला। हाँ मम्मा पापा अंदर आ जाए, बिरयानी बन रही बड़ी मजे। अब सोचे पहले बिरयानी खा के जाना है या फिर शॉपिंग करने जाना है? अरे ठंडी हो जाएगी, मेरा दिल ललचा रहा है। ये बकरा अफलातून छोड़ दो, अब वो मैं अंदर लेके जा रही हूँ उसको। चलें जी अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? मामा पापा से। मामा पापा से मिले, टूटू से मिल लिए, बाकी मामा टूटू से मिल रहा है, टूटू की मालकिन से मिलते हैं। चलो मालकिन से मिले। वैसे वैसे अरे मेरी बात सुने, इधर मुँह करना जरा, आपको कौन सा रोग लगा हुआ है? है ये दाढ़ी बढ़ाई हुई, बाल बढ़ाए हुए? कटिंग नहीं करवा सकता, दाढ़ी नहीं कटवा सकता। अच्छा मैंने सोचा ये लड़का मेरी जुदाई में, चार दिन पाँच दिन की जुदाई में मिस किया और बहुत और इसीलिए दाढ़ी बढ़ा ली हो। सबसे पहले पापा जी आपसे नहीं मिले, टूटू से बाइक मिल के आए। हाँ टूटू से नच पे जाबन हो रहा है यहाँ पे। मैंने सुना आप बिरयानी बना रही हैं। दो निशाने। तो अब जो अपनी बहनों से पूछूं कि इनमें से कौन कौन जा रहा है, डू यू वांट टू गो टू शॉपिंग? वालेकुम अल्लाह, सबने ऐसे वालेकुम अस्सलाम। आपने कुर्बानी ली है पहले, माशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। चेहरा है ना बकरा भूखा, ये क्यों शर्मा रही है? कुर्बानी लगेगी मुझे लग रहा है, इसका बकरा नहीं इसका रिश्ता है। और जाना फिर शॉपिंग में जा रही हूँ। आपको नहीं लग रहा काम पे? कितनी चलाक है इसको सब पता है। चलो अब अपनी मेहंदी दिखाते हो। चलो अब हम लोग गाइस निकलने लगे, तुम लोगों ने कुछ मंगवाना है कुछ बता दो मुझे फिर। हाँ मेहंदी लेके आऊंगा, मेरे लिए लेकर आओ कुछ खाने पीने का सामान बस। अच्छा अच्छा बकरा जो बाहर बांधा है वही खाना ईद पे? चलो ठीक है मैं अपने लिए चीजें लेंगी, इन लोगों के लिए मैंने कुछ भी नहीं लेके जाना। हीरा की शॉपिंग हो चुकी है सारी, इस बहन ने सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है, उस बहन ने सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है, और फातिमा की तो आप बात ही ना करें, ऐसी ऐसी जगह से ऑनलाइन ऑर्डर किया, शॉपिंग करी बिना बताए बिना कहे, चुप करके ऑर्डर आ गए, और सबसे ज्यादा खुश है इस वक्त, वरना हर ईद पे रो रही होती है। और मानो रो है उसका क्या आया, कुछ आया? और आपका अभी आप ही लेंगे ना कपड़े लेंगे? ओके डन चले अब हम निकलने लगे, फिर बिरयानी का प्लान कैंसिल आगे करेंगे। आके चलो डन ओके आ जाओ फिर। तुम क्यों आ रही हो पीछे? मेरे लिए कपड़े लेकर आना, मेरे लिए शॉपिंग करके आना, क्योंकि सब चाहिए। और आपको पता खर्चे करके आपके साथ जा रहे, तो खर्चे घर को मैंने ऐसा कंट्रोल करना है, ऐसा अच्छा बस चलो मानो चलो बस 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 नो लड़ाई कम यार। मुझे ये भी नहीं अभी तक समझ आ रहा कि मुझे ड्रेस का कलर कौन सा डिसाइड करना है मुझे। हाँ जी तो ये कौन सा बुरा तो नहीं है आपकी शर्ट के साथ मैच हो रहा है, क्या मसला है? हाँ मोती नहीं है पर्दा। अच्छा अब अप्रूवल के लिए भी हर बहन के पास, मानो मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं आपको बताई थी कि अभी तक मैंने ईद का ड्रेस का कलर भी नहीं डिसाइड किया, जूड़ी भी नहीं डिसाइड की, जूता भी नहीं डिसाइड किया, चूड़िया भी नहीं डिसाइड की, तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, ड्रेस डिसाइड होगा तो सब कुछ डिसाइड होगा। अरे मेरे बाल फंस गए हैं। चलो वादा करो। गुड
इस ईद में मैं हमेशा ना पापा से ईदी मांगती हूँ ना, पता क्या कहते हैं, बेटा इस दफा ईदी नहीं मिलेगी, बकरा मिलेगा। तो आप भी मुझे पिटू ये क्या बात है। शरीफ आपने बकरे ले लिए? नहीं आज लेने जाना है इंशाल्लाह, आज लेने, मुझे भी साथ लेते हैं। मैं सोचा था मैं गाय ले लें। गाय हाँ अच्छी चीज है वैसे बकरा, लेकिन अरे बकरा लोग शौक से खाते हैं ना, जो बनाने में खाने में और हेल्थ बेनिफिट जो है उसके ज्यादा। ईद पे मैं फिर तुम्हारे लिए बकरा लूंगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह तुम्हारे लिए ईद लेके आऊंगा उसकी रान एक प्रॉपर। अच्छा बास्केट में गिफ्ट पेपर के ऊपर लपेट के साथ में मसाला जात, डन साथ में मसाला जात। मसाला जात क्यों? मसाला जात आप लोग वो मिला के दूंगा, आप लोग बनाएंगे। नहीं नहीं मैं आपको ना बड़ी ईद की बास्केट की पिक्चर सेंड करूंगी कि बड़ी ईद पे ईदी कैसे आनी चाहिए, ठीक है ना? मैं आपको बताऊंगी कि वो ईदी किस तरह की होनी चाहिए। बकरा लेने जाना मेरे साथ? हाँ मैं चलूंगी। अरे देखे शॉपिंग है ना, अगर शॉपिंग से जल्दी फारिग हो गए ना, घर से बिरयानी खा के फिर बकरा मंडी चले। चलो रास्ते में पसंद आ गया वहीं ले ले। डन। इस मोहतरमा को फाइनली फुर्सत मिल गई, अब सॉरी करने का कोई फायदा नहीं। जूता पहन रही थी जो आपने मुझे कहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छा खर्चे का अरे भी है, इसका नाम है खर्चे का घर, ठीक है? और ये आपका ट्विन स्टार है, ठीक है? और इसको कंट्रोल भी आप नहीं करना। तो फिर तो दो खर्चे के घर हो गए। बकरा का कार्ड पकड़ लेते हैं। मेरे साथ नहीं किया, हमारे साथ तो नहीं किया, ये कार्ड दे दिया और हमें दे टाइम 24 आवर्स। ये बात है ना 24 आवर्स। आप लोग चाहते हैं कि मैं कभी अरीब के साथ ये करूं कि आई विल गिव माय कार्ड टू अरीब 24 और एक दिन मुझे होगी, मैं और जैनब पार्टनर हूं। आपके साथ जैनब को नहीं, मुझे पता आप फिर भी मेरा सोच लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी। ये शुगर भी कभी लगाएंगे 24 आवर का जो चैलेंज होता है ना। अरे बड़ी मॉल जाने से पहले एक मिनट रुके ना, ये देखें राबिया के टीटू जैसे बकरे। ले लें बकरे फिर पूछ के आऊं कितने के। चलो पहले पूछ के आए, नहीं तो उम्मीद ही रुको मैं पूछ के आता हूं। मैं लोगों को दिखाऊंगा, तुम ऐसे दिखाऊं वहां से कि मैं कैसे पूछ के आता हूं। यार देखें अदीब साहब जो है वहां पे गए हैं बकरों का पता करने के लिए कि यहां से बकरे कितने में। क्या बना? 130,000 की जोड़ी दे रहा है। 130,000 की टिट्टू ये दे रहा है। ये तो टिट्टू है जहाँ से पापा हम लोगों ने लिए ना हमारे बकरे, माशाल्लाह गबरू प्यारे गबरू। हाँ मतलब प्यारे बकरे थे हमारे, माशाल्लाह शहजादे गबरू। 130,000 के नहीं ये छोटे हैं, ये छोटे हैं। टू 30 का लिया राबिया, देखिए 40 का 30। खैर अभी हम बकरों का हिसाब बाद में रहते हैं, पहले हम अपने कपड़ों का हिसाब लगाने, बकरों और कपड़ों। बकरे छोड़ो कपड़ों में चलते हैं, पता लगे ये भी जरूरी है, ये ईद ज्यादा जरूरी है। यस फॉर गर्ल्स स्पेशली, फॉर बॉयज बकरे लेने हैं। हाँ अरीब कैमल, अरीब इसे कैमल का रेट पूछे यहाँ पे गाइस, हम लोग कपड़ों की जगह। यार कितना क्यूट है, कौन है? वेड़े भी हैं। इसे पूछे कैमल कितने में देगा भैया, दे रहे हो 20। अच्छा लेना चाहिए हमें कैमल, कैमल का सुना गोश्त नमकीन होता है बहुत ज्यादा। अरीब ये बड़ा देखो प्यारा है ना, ये ब्राउन वाला। मैं कैमल का सोच रहा हूँ 3-20 का सही था। हाँ इतना महंगा नहीं मिल रहा, अभी बहुत ट्रैफिक हो गया। बड़ा कहती है बड़े वाला 4 लाख का आता है। मैंने किसी पूछा था एक दफा, कैमल वैसे था अच्छा, प्यारा था अच्छा था, लेकिन कैमल तो था ना। अगर 3-20 कह रहा है हाँ, तो 2.5 तक तो दे देता। अरे खुद ही यहाँ पे पानी भरे हुए हैं, मैं ऊंट ले रहा हूँ गाइस, 3 वीं का कह रहे हैं तो 2.5 तक तो ला ही लांगा। कैमल मिल जाए तो क्या बात है, कैमल ले। मॉल बंद हो जाएंगे जो हम फंस गए, मंडी वाली साइड से निकला है, ऊपर से यहाँ पे ट्रैफिक हिल ही नहीं रहा। जी मानो आपकी क्या फरमाइश? मानो कह रही है कि अरे भाई वैड़ा लेना। अच्छा कहती है वैड़े का ही बीफ होता है ना। मतलब मुझे पसंद है कि आप बकरे ले लो ज्यादा सारे, क्योंकि बकरे क्या मजे के लगते हैं। मटन आई लव मटन, मटन की नलियां, मटन के पाए, मटन की कलेजी, वो हुए क्या आप उसके मतलब आप बांटो किसी के घर पे भेजो तो मतलब अच्छा खासा जो भी पसंद आ गया ना फिर बता दूंगा इंशाल्लाह। गाइस किसी को कसाई की जरूरत है वैड़ा लाल कराना, मानो ले जाओ। लाल थोड़ी कराना, मानो को दिखाना है, मानो को दिखाना तो मानो को ले जाओ, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कभी एक बार सम टाइम वो भाग भूख भी जाता है। एक दफा ना उठ के बैठ गया था जब उसे चाकू मारा। ये तूने कहां ख्वाब में देखे उठ के बैठने वाले? मैंने देखा था, ये मैंने भी देखा हुआ है। क्या ये यूट्यूब पर ऐसी बड़ी वीडियो? अरे नहीं मैंने देखी है, यूट्यूब लाइफ मैंने देखा है, इन रियल लाइफ। तो फिर तुम अब क्यों देखना चाहते हो? मैंने टांगे बांधी थी, लेकिन वो जब उसकी आगे वाली टांगे बांध रहे थे ना, तो उसने अपनी टांग को यूं खोल के अभी खड़ी हुई खड़े होते होते मानो का तो तबसरा नहीं खत्म होना। गाइस मानो कराची में गई थी, मुझे ना सी व्यू नहीं दिख रहा अभी, मैं आपको लाहौर में दिखाओ इसको सी व्यू, अभी मैं दिखाती हूं, देखो वाओ गाड़ी के अंदर पानी आ जाए। स्मेल भी बड़ी गंदी है, वो देखें ये देखें क्या सी व्यू है, चिंग चिंगा रिक्शे सब बीच में। मैंने देख लिया
देख लिया अब सी व्यू लाइट्स के साथ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अब हमारा काम शुरू। अब चलते हैं शॉपिंग करने, देखते हैं कि रीपी लिए क्या पसंद आता है। मैं तो सबसे पहले अपनी चीजें लूंगी, रीपी हम सबसे आखिर पे देखेंगे, मानो को हम सिर्फ सामान पकड़ाएंगे। जो दो ये जो दो जेमिनाइज आए ना मेरे साथ, ये दोनों मुझे असिस्ट करेंगे ऐसे की तरह। इन दोनों ये दोनों ने पेयर अप कर लिया है। हाँ जी ये ये खर्चे का घर इधर शुरू है और ये खर्चे का घर को अरीब जैसे अरीब गुड जॉब निकालना है इसको बाहर के पास सब कुछ है ये। फिर भी सबसे पहले इसकी शॉपिंग स्टार्ट हो। यहाँ पे मैं फातिमा के लिए जूते सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये साथ आई नहीं है और बोल रही है मेरे लिए जूते लेते हैं ना, मैंने अपने लिए खुद अभी देखे नहीं है। फाइनली अरीब का ड्रेस सिलेक्ट हो चुका है, मेरा अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन अब मुझे मैचिंग के चक्करों में, क्योंकि अरे कहते हैं वैसे जब इंसान किसी तरह कमिटेड हो जाए, इसकी शादी होने वाली हो या शादी हो जाए मम्मी हो जाए तो उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं रहती। अब जो कलर मुझे अरीब के लिए मैंने लिया है ना वही कलर मुझे अपने लिए मेरे लिए अब सस्ती लेके दिया मुझे वो कलर कि मैंने ऐसा लेना है, ये तुम भी ये लो। आई अल्लाह आई अल्लाह कमिटेड हो गए तो फिर ऐसे ही होता है। आई अल्लाह इतनी सारी मेरी भी शॉपिंग हो गई है, मैंने अपने ईद का शूज ले लिए। मानो को देखो जरा, मानो को चीज पसंद आ ही ना जाए आज की सदी में। ये जो दो बच्चियां है ना ये रोज मेरे व्लॉग देखती है। सबसे अच्छी कौन लगती है सारे? ये कितना अच्छा जवाब दिया आपको, उसकी कॉपी की। चलो थैंक यू सो मच। हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है, ये देख सकते हैं। आए हैं तो मीठा खा रहे हैं। हाँ आए हैं तो ये जो खर्चे का घर है यकीन करे गाइस, इसने आज तो अरीब भी गवाया, अरीब इसने कितना तंग किया हमें। ये भी तंग किया, फिर आप आगे चीजें इतना सामान ले लेके। अब हमें कुछ हल्की आंच पे अच्छा सा खाना पीना है। गाइस यहाँ पे ना मैं भी बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा बैग गुम हो गया, मैं बैग छोड़ा ही हूँ और अरीब अभी जा रहे हैं वो देखे लेने के लिए। ही सेड आई एम, वो देखो 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 देखो, टेंशन हो रही है, अल्लाह करे ले जाए वो देखने के लिए तो गया। मैं अपना बैग कैसे भूल सकती हूँ? अरीब साहब जो है ना वो फाइनली कहाँ से मिला है? दुकान पड़ा हुआ था, किसी ने पकड़ा तो नहीं था? पकड़ा होता यहाँ पे ना होता, लग समझ गई आज अरीब को। चलो तो है वो हमारे सारा सामान, हमारी शॉपिंग हो गई है ईद की डन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपको पता चलेगा कि हम ईद पे कौन सा कलर मैच करते हैं। हमने जो हल्का फुल्का ड्रिंक श्रिंक लिया था वो हम लोगों ने पैक करा लिया, लेकिन एक लड़की जिसे सबर ही नहीं हुआ। आई अल्लाह शी कांट वेट। मानो मीठे से पेट भर लोगी तो बिरयानी कब खाओगी? ट्रैफिक चेक तो चेक किया, अरे मुझे लगता है कि सारे आज ही शॉपिंग करने आए हुए हैं। वैसे भी ना वो पानी बहुत है, वैसे भी ट्रैफिक बहुत है। आप ही आज ही करने हैं। सब ये सोच के निकलते हैं कि कोई नहीं निकला होगा, हम चलते हैं, तो इसीलिए इतना रश होगा। पता है कि ईद आ रही है तो सब निकले होंगे। लेकिन आप फिर बकरा कब लेंगे? मैं अब रात को लेट जाऊंगा, कुछ करूंगा। वैसे मंडी कब तक खुली होती है? खुली खुली है, मंडियाँ बंद ही नहीं होती है क्योंकि उनका सीजन होता है। मैं तुम बता दूंगा, मैंने ये लिया, फिर मैं लोगों को भी दिखाऊंगा करीब ने लिया। ठीक है घर आ गए, मानो आती नींद में अपना बर्गर पार्टी करके। चलो जी उठो, बिरयानी ऊंचे वाले बोले बिरयानी। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, बिरयानी खा ली थी, कैसी बनी थी अरीब? मेरी मम्मी ने इतने खुलूस से इतने प्यार से इतनी नींबू निचोड़ी इमली डाल के बनाई थी तो मजे की होनी थी। कल चांद रात भी है, कल मैं मेहंदियाँ लगाऊंगी एडवांस में। ये मेरी मम्मी के हैं बड़े प्यारे, माँ कहती है एनु एनु देखा कर दिखाया कर जरूर व्लॉग से। ओके अल्लाह हाफिज। बड़ा प्यारा मौसम हो गया, अरीब तो जा चुके हैं लेकिन हम क्या करेंगे, अब जाके सुकून से अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी अपनी बहनों को। गाइस इस मोहतरमा को मैंने अपनी शॉपिंग दिखा दी, अल्लाह 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 ने आने से बचा लिया बस। ये ड्रेस मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही ठीक है, क्योंकि आप लोग ईद पे ही देखें। इतना प्यारा है, एक स्पॉइलर दो, इसका ड्रेस ब्लैक कलर का। बच्चे बड़े मारूंगी, मैंने लोगों को कहा था कि हमेशा मेरी पॉल खोल देती है, बहुत प्यारा, मेरे हर सरप्राइज को खराब करती है। किसी ने हीरा पे मीम्स भी बनाई हुई थी, और इसके ड्रेस पे कट पीस लगे, वो कट मोती लगे। बच्चे बड़े मारूंगी तुम्हें, कलर मेरा तो आपने देख ही लिया, दिखा दिया तुमने कलर दिखाया थोड़ा सा, वो भी खुशी के मारे मैं रोने वाली थी आज। हाँ इसका कुत्ता वाली कब से मुझे कह रही थी, अब भी मेरे सूट था ये हो गया ये हो गया ये हो गया, लेकिन अब कह रही है कि शुक्र है अल्लाह का कि जो कलर बोला था वो नहीं था। भी हुआ और मेरा ड्रेस भी नहीं आया था। हाँ ड्रेस इसका बेचारी का हमेशा कैंसिल होता है, हर दफा राबिया के साथ ही होता है लेकिन इस दफा हीरा के साथ हो गया। गाइस आपको मैं शूज दिखा देती हूँ, गोल्डन कलर की मिल जाती मेरे शूज में, का जब ये कलर है सूट का तो फिर ये मेरे फेवरेट होने वाले हैं।
गोल्डन नहीं मिला यार फाहिरा, मैं वहाँ गई हूँ, मैंने देखे हैं। पहन के पहले दिखाऊंगी आपको। कैसे लग रहे हैं? प्यारी लग रहा है ना आपकी, है ना? ये बहुत प्यारी है, तुम्हारी चप्पल से तो बहुत ही प्यारी है। मेरे लिए भी कुछ ले आती, तुम कितनी बुरी हो। तुमने मुझे मैं तुमसे पूछा गोल्डन हील हीरा फातिमा को वीडियो कॉल पे दिखाती रही, इतनी पैथेटिक। कोई नई वैरायटी नहीं आई गाइस मार्केट में तुम्हारे अपने ड्रेस ना, ब्लैक और मैरून वाली। तुम्हें पता नहीं है पैदा ही तुम्हारे लिए हुई। मैं कितनी खवार हुई हूँ पूछो मानो, हम कितना खवार हुए हैं। कोई भी नहीं मिला था। हाँ कि तुम पहन लो ईद को, फिर मैं नहीं पहनी। हाँ फिर तुम्हें दूंगी, पैसे लूंगी तुमसे, किराया लूंगी तुमसे। हाँ अच्छे लग रहे हैं। राबिया तुमने मेरी शॉपिंग नहीं देखी, मेरा ड्रेस कैसा लगा तुमको? बस अच्छा, बहुत प्यारा, महाकलाकार पुरुषार। गाइस राबिया के कलर का स्पॉइलर दे दूँ, आइवरी कलर पहन के आऊंगी ना, और हीरा के क्लेयर। जब मैं ईद का ड्रेस पहन के आऊंगी ना तो दो इधर गिरेंगी, दो इधर गिरेंगी, दो उधर गिरेंगे। और परफ्यूम क्यों नहीं लगाया होगा इसीलिए गिरेंगे? नहीं 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 देखती। अच्छा हीरा का गाइस मैं बता दूँ, फालसा कलर हीरा ने पहना है। मेरी ईद लुक देखने के बाद ना पूरा पाकिस्तान पहले पागल हुआ पड़ा। कौन सी मछली दिखाने वाली हूँ? हीरा के पास हाथ लगी है जादू की छड़ी। इधर मुकरो तुम्हें प्यारा करूँ। ऑलरेडी प्यारी इधर मुकरना पिंपलू। इधर मुकरो तुम्हारा ईद का शूट करूँ। Guys, I just need a popcorn because I am enjoying this show very much. आपको आपकी इंस्टाग्राम सब मेरे साथ करूं। हाँ। मैं एस्ट्रोलॉजी का ब्लॉग वायरल करूं। ओके इधर आओ तो मैं सुनाऊं। रबिया के बाल असली में क्यों फटे हुए? क्रम्स किए थे सर, यार बालों पे क्रम्स किए थे। ये कौन से क्रम्स है? इधर आओ तुम्हें ना हीरा जैसा प्यारा करूं। I am already beautiful as I am. यार इसको उठा लिया दूसरा जगह, मैं कमरे से निकलो दोनों। चलो मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने क्या किया? रिकॉर्ड करके पूरा चेजा ले लिया। हीरा पापा जी इनको मेरे कमरे से निकाल लेते। ईद मुबारक। अब टाइम होता है मेरा अपनी शॉपिंग पकड़ के अपने कमरे में जाने का। कल मेहंदियाँ लगवानी है, कल बकरों ने भी आ जाना है। कल आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।